Assalamualaikum, hi dear friends, good morning. I am Falaknas from Karnataka, India. Welcome back to my channel Falaknas Kitchen and Daily Routine. Dear friends, अभी आज वेडनेसडे है, सुबह के 8 बज रहे हैं. डियर फ्रेंड्स, मैं सुबह की टी बना रही हूँ. टुडे माय मैरिज एनिवर्सरी डे, आज मेरा शादी का सालगिरह है. डियर फ्रेंड्स, आज के दिन ही मेरा निकाह हुआ था. मैं अभी सुबह की चाय बना रही हूँ. 8 बज रहे हैं डियर फ्रेंड्स. मॉर्निंग मैं नमाज़ पढ़कर थोड़ी देर सो गई थी. अभी मेरे हस्बैंड जग गए हैं, वो न्यूज़ देख रहे हैं. अभी मैं मॉर्निंग टी बना रही हूँ. मेरे शादी को कंप्लीट 4 इयर्स हो गए हैं टुडे, और इन 4 सालों में बहुत अच्छे अच्छे पल गुजारे हैं मैंने. बट फर्स्ट साल जो है मेरा अच्छा नहीं गया था, बट सेकेंड साल से मेरी शादी का जो दौर है, जो सफ़र है, वो अच्छे से गुजरा था. अल्हम्दुलिल्लाह अभी गुजर रहा है. डियर फ्रेंड्स, अभी तो 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन मेरी कोई फैमिली बड़ी नहीं है. मींस अभी कोई औलाद नहीं हुई है हमें. हम दुआ कर रहे हैं. डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग भी दुआ कीजिए कि मेरी फैमिली बढ़ जाए. मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, मेरी फैमिली में कोई नहीं है. अभी ये सारा दिन घर पे ही रहेंगे. मींस हम बाहर जा रहे हैं. लंच तो मैं घर में ही बनाऊंगी, लंच और ब्रेकफास्ट, लेकिन हम लंच के बाद बाहर जाएंगे. अभी फ़िलहाल मैं चाय दे रही हूँ मेरे हस्बैंड को. डियर फ्रेंड्स, मैंने ब्रेकफास्ट में पराठे बना रही हूँ, आलू के पराठे. अभी 9:15 हो रहा है. 9:30 9:30 तक हम नाश्ता फिनिश कर लेते हैं. तो अभी मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं. मैं लंच भी घर पे ही बनाऊंगी. आज मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आलू के पराठे बना रही हूँ. इसे दही के साथ सर्व कर रही हूँ. ठीक है, देखिए डियर फ्रेंड्स, मेरा पराठा रेडी हो गया है. मैं इसे अपने हस्बैंड को दे देती हूँ. डियर फ्रेंड्स, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है. हमने आलू के पराठे ब्रेकफास्ट में दही के साथ खाए हैं, और आफ्टर ब्रेकफास्ट वाली टी भी हम पी चुके हैं. मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं मार्केट हीमा लाने के लिए. आज मैं लंच में हीमा रोटी और कुछ राइस वगैरह बनाऊंगी. डियर फ्रेंड्स, मैं जैसे मैं अपने हर वीडियो में आपको एक टिप्स दिया करूँगी आयुर्वेदिक के रिलेटेड, मैंने इससे पहले कहा था. तो आज मैं लेसन के टॉपिक पर आपको कुछ बोलना चाहती हूँ, ताकि आप इसको अपनी एक रूटीन बना लें. जो भी आपको ज़रूरत है यार, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. अब तो सिर्फ मोटापा ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है हम सब लेडीज़ की. डियर फ्रेंड्स, गार्लिक में बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि हेल्दी हैं सबके लिए. डियर फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें अपनी लाइफ में, स्पेशली आप. डियर फ्रेंड्स, गार्लिक में 5 तरह के रस पाए जाते हैं. मीन्स 5 तरह के आयुर्वेदा में ये सबसे ज़्यादा गुणकारी माना जाता है, औषधि माना जाता है इसे. कदीम ज़माने में जब भी सर दर्द, पेट दर्द या फिर कुछ भी पैर दर्द होता था, घुटनों में दर्द होता था, तो पहले के लोग क्या करते थे, इस तरह से एक क्लिप उसकी निकाल कर इसे कहीं पत्थर पर या फिर कहीं भी इस तरह से घिस कर इसका ऑयल निकलता है, वो ऑयल उस जगह पर लगाते हैं जिस जगह पर उन्हें पेन होता था. तो वहाँ का पेन एकदम से गायब हो जाता था, मतलब वो दर्द में उनको रिलीफ मिलता था. तो इस तरह का ये आयुर्वेदिक कदीम ज़माने से जुड़ा हुआ है लहसुन के ऊपर. डियर फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ टिप्स बोलूँगी, शायद आपको मदद हो जाए. सबसे पहले मोटापे की तरफ आते हैं. मोटापे के लिए बहुत गुणकारी है डियर फ्रेंड्स. आप इसे इस तरह के एक पूरा इस तरह का भाग ना खाएं, बल्कि इसमें से इस तरह के दो एक छोटे भाग निकालें, कली निकाल लें, और इसको इसका ऊपर का छिलका निकाल कर आप इसे नीम गर्म पानी में, हल्के गर्म पानी में एम्प्टी स्टमक पियेंगे, तो इंशाल्लाह चबा कर अच्छे से खा लीजिए. हो सकता है आपको थोड़ा सा तेज़ लगे, थीका लगे, फिर भी आप इसे चबा कर अच्छे से खा कर नीम गर्म पानी पीछे ही पी लेंगे, तो आपका जो बली फैट है, पेट का जो मोटापा है, जो सून निकलता है, वो कम हो जाएगा. हिप और ये सारे जो मोटापे चर्बी है, वो चर्बी गलने लगेगी, और आपका मोटापा जो है धीरे धीरे इंशाल्लाह कम हो जाएगा. मैं भी इस तरह से कर चुकी हूँ. मैं
मैं 79 kg थी, अभी फ़िलहाल मैं 64 पर हूँ। तो अभी मैं रोज़ ऐसे ही करती हूँ, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं गार्लिक छोड़ चुकी हूँ, सिर्फ नीम गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि इस डिशेज़ में मुझे और थोड़ा सा करना है कम, इसलिए मैं ये नहीं पी रही हूँ, पहले पिया करती थी। डियर फ्रेंड्स, इसका आप एक और काम कर सकते हैं, एक कप हल्के गर्म पानी में 2 स्पून हनी डालकर, इसमें 10 बूंद गार्लिक के जूस डालकर, इसको रोज़ाना हल्के यानी एम्प्टी स्टमक में पीने से अस्थमा दूर होता है। जिनको भी अस्थमा की शिकायत है, वो अस्थमा दूर हो जाता है, और ये टॉन्सिल्स में के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। डियर फ्रेंड्स, इसको एक ग्लास हल्के गर्म पानी में डालकर, हल्के गर्म पानी में, हाफ कप पानी में डालकर इसे बारीक पहले कूट लें, कूट कर इसमें हल्के गर्म पानी में डालकर इसे छान कर दिन में 1 से 2 बार गरारे करने से टॉन्सिल्स भी कम हो जाएगा, उसमें बहुत इम्प्रूव आएंगे। ठीक है, ये रहा दूसरा। और है पीलिया में भी, ये बहुत लाभकारी है, इसको पहले पीलिया के तौर पर ही, इसे पीलिया टॉनिक बोलते थे गार्लिक को, पीलिया में ये बहुत लाभकारी है। इसकी 4 इस तरह से कली ले लें, और इसे अच्छे से बारीक पीस कर हाफ कप दूध में अच्छे से मिला लें, मिक्स कर लें और वो पी लें। और जैसे ही आप दूध पियेंगे, फिर आपको 1 गिलास दूध पीना पड़ेगा पीछे ही, इस तरह से आपके जो पीलिया है, पीलिया की शिकायत दूर हो जाएगी, इसमें बहुत लाभ मिलता है आपको। और गार्लिक हाई ब्लड प्रेशर में भी बहुत लाभकारी है डियर फ्रेंड्स, इसके दो कलीफ को एक कर्ड यानी 1 स्पून कर्ड में 2 कलीफ की इस तरह से कलीफ लिए, और इसको अच्छे से बारीक करके 1 चम्मच दही के साथ आप मिक्स करके खाएं, इंशाल्लाह आपका जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो जल्दी दूर हो जाएगा। ये रही कुछ टिप्स बताए हैं मैंने, इंशाल्लाह आपको इस गार्लिक के अबाउट बहुत सारी बातें मालूम हुई होंगी, इंशाल्लाह जितना मुझे मालूम है उससे बहुत कम बताया है मैंने, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। ये थोड़ी बहुत टिप्स बताए हैं मैं, और ये जो जेंट्स के लिए भी बहुत लाभकारी है, जिनको नपुंसक का कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो, तो वो इसको हनी हनी के साथ भी ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ। ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि लहसुन सिर्फ लेडियाँ ही लेती हैं, लेडीज़ ही यूज़ करती हैं, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है। ब्लड प्रेशर में तो ये बहुत ही माहिर है, तो प्लीज़ आप इसे अपने एक फैमिली, जो भी प्रॉब्लम है आस्थमा का, ब्लड प्रेशर का और वेट का, कुछ भी हो, तो इसमें आप ये जो मैंने बताए हैं टिप्स, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना अच्छा एक हेल्थी रूटीन बनाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपको हो सकता है आपको इससे भी ज़्यादा मालूमात हो, लेकिन जितनी मुझे मालूमात है उससे थोड़ा कम बताए हैं मैंने, क्योंकि ये वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, तो कुछ कुछ मैंने टिप्स बताए हैं। होप आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा मेरा गार्लिक का टॉपिक, टिप्स, आयुर्वेदिक टिप्स। तो प्लीज़ इसे अपनी रूटीन बना लीजिएगा, जो भी आस्थमा के, ब्लड प्रेशर के और वेट लॉस के पीछे हैं, और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से दूर करना चाहते हैं, तो गार्लिक का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 1 करीब, अभी मेरे हस्बैंड आए हैं और उन्होंने चूल्हा लाया है, मैं राइस चढ़ा चुकी हूँ और आटे को गूंद लिया है मैंने, अभी मैं खीमा बनाऊंगी। ठीक फ्रेंड्स, एक तरफ मैं राइस को चढ़ा दिया है, वो पक रहा है, ठीक है, एक तरफ मैंने सोया बीन्स दाल बना रही हूँ, मैं कुकर में सोया बीन्स दाल को चढ़ा दिया है मैंने, तड़का लगाना है। अभी यहाँ पे मैं खीमा बना लूँगी, फिर रोटियाँ बेलूँगी, यही मेरा आज का लंच रूटीन है, वाइट राइस, सोया दाल तड़का और कीमा और रोटी, ये मेरा आज का लंच है जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। प्रिपेयर करने के बाद मैं नमाज के लिए निकलना है मुझे। मेरे फ्रेंड्स, राइस रेडी हो गया है और दाल का मैंने तड़का भी लगा दिया है, अभी मैं कीमा बना लेती हूँ, उसके बाद रोटियाँ बेल लेती हूँ, अभी गैस को ज़रा ट्रांसपेरेंट होने देती हूँ।
फ्रेंड्स, फाइनली हम बाहर जा रहे हैं। आज मैं दुआ कर रही थी बारिश ना आए, क्योंकि बारिश आ गया तो हम नहीं जा पाते। पिछले संडे हम बाहर नहीं गए थे, इस बार जा रहे हैं। अल्लाह करे बारिश ना आए आज भी। डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ आते हैं, देखिए पानी कितना आ रहा है यहाँ पे। यहाँ आने के बाद बारिश शुरू हो गई है, फिरना मुश्किल है, फिर भी हम लाइट बारिश आ रही है तो हम फिर रहे हैं यहाँ पे। देखिए देखिए वहाँ से पानी आ रहा है। यहाँ बहुत कम था पानी, लेकिन बारिश की वजह से इतना पानी आया है। तो यहाँ भुट्टा बहुत मिल रहा है, अच्छा हमने भुट्टा यहाँ पे देखिए। डियर फ्रेंड्स, मैं और मेरे हस्बैंड डिनर करके आ गए हैं घर पर। अभी 9:15 हो रहा है, 9:30 हो रहा है, 9:30 करीब तो हम डिनर करके आ गए हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया था। एक्चुअली मैं अभी चाय बना रही हूँ, चाय बनाते हुए आपको बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का चाय पीने का मन कर रहा था तो मैं अभी चाय चढ़ा रही हूँ। डियर फ्रेंड, जहाँ पर मैंने पानी और ये सब कुछ बताया है, वहाँ हर संडे मैं जाती हूँ। ये हमारे सिटी से 15 किलोमीटर है और आगे जाना है, तो मेरे मायका और मेरे ससुराल के बीच में आती है वो प्लेस। तब मैं कभी भी मायके जाती हूँ तभी वहाँ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे पानी है और पार्क वगैरह हैं, गार्डन्स हैं, बहुत अच्छा लगता है, हरियाली है, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना। तो अभी हम गए थे, फर्स्ट वहाँ पे गए थे, उसके बाद आते वक्त हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद आइसक्रीम तो खाई नहीं, क्योंकि बारिश थी फुल, इसलिए घर पर ही हम आइसक्रीम लेकर आए हैं। अभी हम खाएंगे नहीं तो कल खाएंगे, क्योंकि बहुत बारिश होने की वजह से ठंड भी हो रही है यहाँ पे, बहुत सर्दी है, तो फिलहाल हम आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं, बस कल खाऊंगी मैं आइसक्रीम। और अभी मैं चाय बना रही हूँ। होप आपको मेरा ये जो आज का व्लॉग है, छोटा सा है, बहुत अच्छा लगा होगा। ये जो सीनरी मैंने बताई है पानी की, वहाँ बहुत सारे लोग आए थे, भुट्टा फलियाँ मूँगफली और बहुत सारे छिटपुट चीज़ें भी थी जो हमने खाई है वहाँ पे। वहाँ की पानी पूरी बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी, मैंने पानी पूरी भी खाई वहाँ की। तो डिनर थोड़ा सा लिया मैंने, क्योंकि पानी पूरी वो सब खाने से पेट भर गया था मेरा। अभी फ़िलहाल मैं चाय बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपका सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें मुझे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं चैनल चला पाऊँगी। डियर फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल बटन पे क्लिक ज़रूर करें, मेरे आने वाले ब्लॉग्स और रेसिपीज़ दोनों के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और जो भी टिप्स मैंने बताए हैं गार्लिक के ऊपर, लहसुन के ऊपर, तो प्लीज़ उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा जारी रखें, उसका लाभ उठाएँ। डियर फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, अभी पर मैं ये जो ब्लॉग है वो उसे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।